The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. देखिए, अगर हम इंट्रोड्यूस करें इस टॉपिक को तो ठंड में वैक्सीन लगाना सबको भाई पसंद नहीं है, सब लगाते नहीं, आदत नहीं है, तो ये नई चीज, नया वैक्सीन भाई ये क्या है, क्यों है? सो फ्लू शॉट क्यों लगाएं, ये सवाल है। और कई लोग अपने आप से, अपने आसपास के डॉक्टरों से पूछते हैं भी बच्चों को लगाएं, बच्चों को बचाएं। क्वाइट फ्रैंकली, फ्लू शॉट इज योर बेस्ट बेट टू अवॉइड लाइफ थ्रेटनिंग इन्फ्लुएंजा। जी हाँ भाई, फ्लू डेंजरस भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं। स्वाइन फ्लू भी होता है जो जान ले सकता है, और एक सिंपल सा फ्लू भी होता है जो कि कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के 200 से ज़्यादा वायरसेस हैं, जिसमें कि 3-4 ऐसे खूंखार वायरसेस हैं, स्वाइन फ्लू, H1N1, इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा टाइप ए, टाइप बी। तो ये सारे इसी डेंजरस वायरसेस हैं जो आपकी बॉडी की, आपकी लाइफ की ऐसी तैसी कर सकते हैं अगर आपके अंदर आ गए। सो फ्लू शॉट क्या है? ये फ्लू शॉट आपको प्रोटेक्ट करेगा फ्लू होने से। फ्लू अगर होगा भी तो बिल्कुल नाम मात्र, मामूली फ्लू होगा, बिल्कुल आराम से ठीक हो जाने वाला फ्लू होगा, डेंजरस फ्लू नहीं होगा, क्योंकि फ्लू शॉट्स इन डेंजरस वायरस के खिलाफ काम करता है, ना कि सारे वायरसेस 200 से 200। सो फ्लू शॉट देखिए, ऑल्दो फ्लू शॉट हर एक वायरसेस से प्रोटेक्ट नहीं करता, तो इट इज़ नॉट टोटली कि भाई फ्लू शॉट ले लिया अब और फ्लू होगा नहीं, ठीक रहोगे, ऐसा कोई 100% गारंटीड प्रोटेक्शन नहीं है। बट इट इज़ वर्थ गेटिंग, बिकॉज एक बार अगर स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी हो जाती है तो फिर इंसान के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं, पछताए पछताओगे, रह जाओगे, फिर क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट? सो एवरी ईयर फ्लू शॉट आता है, एवरी ईयर नया फ्लू वैक्सीन आता है, और एनुअल फ्लू शॉट जो आप हर साल लेंगे, जी हर साल लगता है ये वैक्सीन। इस साल का मैं लगवा चुका हूँ, और अपने फैमिली को लगा चुका हूँ, अपने छोटे बच्चे को लगा चुका हूँ, माताजी को लगा चुके हैं, वाइफ को लगा चुके हैं। तो क्यों लगा चुके हैं भैया, हम पागल तो है नहीं, है कि नहीं? सो ये 3 या 4 इन्फ्लुएंजा के खतरनाक वायरसों से आपको बचाएगा जो फ्लू में सर्कुलेट होते हैं, और हर साल इन वायरसेस का स्ट्रेन बदलता है, हर साल इस वायरस में थोड़ा म्यूटेशन होता है, इसलिए हर साल वैक्सीन नया आता है। और ये फ्लू शॉट जो है एक हाई डोज में भी अवेलेबल है, जो 65 साल के उम्र के बाद भी लोग लेना पड़ता है, 65 प्लस एज में ज़रूरी हो जाता है। क्यों लेते हैं? इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा एक रेस्पिरेटरी बीमारी है जिसमें काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बच्चों में और बूढ़ों में, बच्चों में, बूढ़ों में, और कुछ ऐसे लोग जिनको कोई मेडिकल कंडीशन है उनमें काफ़ी सीरियस बीमारी बन सकती है, हॉस्पिटल आईसीयू तक पहुंच सकते हो आप। और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या फ्लू शॉट लेने से ऑल्दो 100% प्रोटेक्शन नहीं होगा, बट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द मिजरी ऑफ फ्लू एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस, राइट? यहाँ तक के दुनिया भर के डॉक्टर, CDCs इसको आपको रिकमेंड करेंगे। सो फ्लू शॉट आपको अवेलेबल हो जाएगा प्राइवेट आपके सारे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में आपके, जिस आप जाके ले सकते हैं। और ये डिपेंड करेगा, हर साल आता है ठंड से पहले, ठंड के आसपास। और याद रखिए, जब भी आप फ्लू शॉट लेते हो उसके लेने के बाद, आपने इंजेक्शन लगा दिया, कितना है सीरिंज बड़ा आता है, प्री फिल्ड सीरिंज लगाना है, मसल में ठोक देना है, बस ख़त्म, मसल में लगा दिया। उसको लगाने के बाद आपको 2 हफ्ते लगते हैं उस पर्टिकुलर वैक्सीन का इफ़ेक्ट आके, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए उस पर्टिकुलर वायरस से। तो वहाँ पर 2 हफ्तों में भी आप फिर से बीमार हो सकते हो, याद रखिए। और अगर आपके एरिया में सारे लोग फ्लू शॉट लगा लेंगे तो वो जो डेंजरस वायरसेस हैं वो फैलेंगे ही नहीं। तो इसीलिए अगर कोई 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसको तो वायरस वैक्सीन नहीं लगता, ये वाला 6 महीने से छोटे को नहीं लगता है, तो इसलिए उसके आसपास सबको लगाना चाहिए, कहीं कोई दूसरी तरफ से फ्लू लेके दूसरे बच्चे को ना दे दे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू गेट वैक्सीनाइज, राइट? हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है, सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। और हर साल करना इसलिए ज़रूरी है कि वायरस इवॉल्व होता है,
हर साल वायरस इवॉल्व होता है और पिछले साल का जो वैक्सीन है वो इस साल के नए वायरस से आपको प्रोटेक्ट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। सो रैपिडली अडैप्टिंग फ्लू वायरसेस के लिए रैपिडली अडैप्टिंग वैक्सीन बनती है जो हर साल नई बनती है, और वैक्सीन का जो एंटीबॉडी लेवल है, मतलब एक वैक्सीन गई तो उसके खिलाफ आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, ये एंटीबॉडी टाइटर हर साल कम होते रहते हैं और इसीलिए फ्लू शॉट आपको हर साल लेना पड़ता है। सो हु शुड गेट अ फ्लू शॉट, सबको सबको 6 महीने से ऊपर सबको फ्लू शॉट लेना है, प्रेग्नेंट वुमेन लेना है, ओल्ड वुमेन, ओल्ड एडल्ट सबको लेना, यंग चिल्ड्रन सबको लेना है, ठीक है, दूसरी कोई बीमारी है लेना है। अब क्या 6 महीने से 8 साल के बीच में अगर है उम्र, 6 months to 8 years, इनको कभी कभी 2 फ्लू शॉट भी लग सकते हैं 4 हफ्ते के बीच में गैप में, अगर कई बार इनको पूरी तरह प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये देखा गया है उससे और ज़्यादा कम रिस्क हो जाता है अगर हम बात करें, क्योंकि बच्चों में जानलेवा अगर चीज़ आ रही है कि भाई आपके एरिया में स्वाइन फ्लू फैल रहा है या फ्लू से लोग बीमार हो रहे हैं और सीरियस हो रहे हैं, तो 4 हफ्ते के गैप में 2 शॉट्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं 6 महीने से 8 साल के बीच में, वरना एक भी काफ़ी होता है। सो कई सारे क्रोनिक मेडिकल कंडीशंस हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो अगर इन्फ्लुएंजा हो गया साथ में तो फिर आपका सैंडविच सही से नहीं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन बन जाएगी। अस्थमा है साथ में इन्फ्लुएंजा, कैंसर, क्या कैंसर का कोई ट्रीटमेंट, COPD, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सांस की कोई भी बीमारी है और साथ में इन्फ्लुएंजा हो गया तो प्रॉब्लम, इन्फ्लुएंजा शॉट जरूर लेना है। उसके बाद में डायबिटीज़ है, मोटापा है, किडनी या लिवर की कोई बीमारी है, HIV एड्स है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, खून की कमी है, ऐसे सिचुएशंस में बहुत ज़रूरी है आपको फ्लू शॉट लेना। अब किसको नहीं लेना है फ्लू शॉट, बहुत ज़रूरी, लेना लेना लेना, लेकिन किसको नहीं लेना, सॉरी। सो अगर आप एग्स से, अंडे से एलर्जिक हो, इफ़ यू आर एलर्जिक टू एग्स, ज़्यादातर फ्लू शॉट की जो वैक्सीन्स होती हैं वो उसमें थोड़ा बहुत एग प्रोटीन होता है, सो अगर कोई माइल्ड एलर्जी है तो फ्लू शॉट्स लेने से कई बार थोड़ा बहुत खुजली हो सकती है किसी को, अगर एग से एलर्जी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, विच इज़ वन ओनली इशू। और अगर पहले कभी आपको फ्लू शॉट लेने से, वैक्सीन इस तरीके की लेने से एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, तब आप फ्लू शॉट नहीं लेंगे, बस ये 2 conditions में आप फ्लू शॉट नहीं लेंगे, याद रखिए। और फ्लू शॉट भाई साहब नेजल स्प्रे में भी आने लगे हैं अब, ऑल्दो वेरी आपको तो हर जगह नेजल स्प्रे मिलेगा ज़रूरी नहीं है, सो नेजल स्प्रे में आने लगेंगे, वो आप ले सकते हैं 2 साल से लेके 49 years age के बीच में। और नेजल फ्लू वैक्सीन जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, 50 साल से ऊपर लोगों के लिए, या 2 से 17 साल के लोग जो ब्लड थिनर ले रहे हैं उनके लिए नहीं एडवाइजेबल है, जिनको इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है उनके लिए नहीं एडवाइज, बाकी वो इंजेक्शन वाली ले सकते हैं। सो फ्लू शॉट इंजेक्शन से आराम से लिया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल जो कई लोगों के दिमाग में आता है, भी मैं फ्लू का वैक्सीन लूँगा, वायरस अंदर लूँगा तो क्या मुझे उससे फ्लू नहीं हो सकता? नो, फ्लू शॉट से फ्लू नहीं हो सकता, बिकॉज आपको फ्लू शॉट से फ्लू लाइक सिम्टम हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज दैट फ्लू लाइक सिम्टम्स, मतलब थोड़ा सा फ्लू लाइक सिम्टम्स होना, मतलब आपको थोड़ा सा मैलेज सा हो सकता है, थोड़ा बहुत फेब्राइल महसूस हो सकता है, बट देन उससे कुछ नहीं होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लाइक आई सेड, सम पीपल कैन एक्सपीरियंस मसल एक्स, फीवर, समटाइम्स यू कैन एक्सपीरियंस इवन, बिकॉज ये टाइम लगता है बॉडी को एंटीबॉडी बनाने के लिए, 1 से 2 हफ्ते, तो 1 से 2 हफ्ते में बॉडी उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम डेवलप कर रही है, तो इट टेक्स दैट मच ऑफ रिएक्शन जो आएगा, दैट इज नॉर्मल, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बस पानी खूब पीना है, रेस्ट लेना है, थोड़ा सा रेस्ट, और 2 week विंडो होता है, 2 week के अंदर फुल इफेक्ट आ जाता है, उसके बाद आप अगर वायरस से एक्सपोज भी हो गए तो आपको भाई साहब होगा नहीं उस पर्टिकुलर वायरस स्टेन। अब याद रखिएगा, कभी कभी मिसमैच वाले वायरस जो इससे मैच नहीं कर रहे वो उससे आपको फ्लू हो सकता है, और दूसरी इलनेसेस जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स नॉर्मल कोल्ड में भी होता है, जो एक एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं ठंड से, दिस इज नॉट अ वायरल थिंग, वो फिर कोल्ड हो सकते हैं, हे फीवर हो सकता है, वो अलग चीज़ें हैं। तो फ्लू वैक्सीन ऑफर करती है प्रोटेक्शन आपको इन्फ्लुएंजा से, और अगर देखा जाए तो 50-60% इफेक्टिव है फ्लू वैक्सीन आपको बचाने से, बचाने में,
फ्रॉम द बिटवीन द एज ऑफ 18 to 64, और ये रियल रिसर्च से देखा गया है, तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव. फ्लू वैक्सीन ज़रूर लेना है. सो यू डू टेक द फ्लू वैक्सीन. इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाइजीन भूल जाओगे. अगर सर्दी है तो सर्दी में हैंड हाइजीन और खुद की हाइजीन बहुत ज़रूरी है. खांसी कर रहे हो तो मुंह कवर करिए टिश्यू पेपर से, फिर उसको फेंक दीजिए या फिर एल्बो से ऐसे. और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हो. हाथों आँखों को मुंह को नाक को बार बार टच करना अवॉइड करें. क्राउडेड स्पेस में ना जाएं. हेल्दी हैबिट्स मेंटेन करें. बहुत सारा पानी पिए और अच्छी रेस्ट लीजिए और डाइट अच्छी लीजिए. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लू एंड फ्लू शॉट. आई होप यू हैव गॉट द जिस्ट. गो एंड गेट द वैक्सीन फ्रॉम योर लोकल डॉक्टर. Thank you so much. Ask me any question you have. Thank you.